मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पहलवान जी सो रहे हैं और पहलवान जी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे गाइस, बहुत गहरी नींद। देख लो थोड़ा, देख लो उठ चुका है। पूरे घर की सफाई हो चुकी है और गाइस मेरी मशीन का काम भी हो चुका है, लास्ट चल रहा है इसमें। पोछा धो रही हूँ मैं, पोछा धोने के बाद काम खत्म हूँ, उसके बाद खाना बनाना रह जाएगा। ऐसे तो खाना नहीं बना, बस हमारे घर में आज सब्जी बन चुकी है, आटा मल चुका है, रोटी बनेगी। और गाइस आज मैंने आटा किस चीज़ का गूंदा है आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गूंदा है, क्या बोलते हैं उसको, गाइस मैं भूल गई, एक मिनट रुक जाओ। ये आटा मैंने गूंदा है चकुंदर और मूली का, ये देखो बीम्स नहीं सॉरी फली की, सेम की फली। ये देखो मेरी मम्मी भी यहाँ पे बर्तन मांज रही हैं, और पता है कितने बज रहे हैं, 2:49 हो रहे हैं और अभी बर्तन मांज रही हैं। और गाइस आपको पता है इस टाइम मम्मी रोटी क्यों बना रही है, क्योंकि अम्मा के भाई आए हुए हैं तो उनको खाना खिला रही थी, इसलिए मम्मी रोटी बना रही है। और अभी मम्मी बर्तन मांज रही है, मतलब रोटी बना ली, देखो अभी बंद किया, इसमें तो धुआं आ रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो मेरी गलती नहीं है गाइस। अच्छा तो मम्मी रोटी बना रही थी, इसलिए मम्मी ने अभी रोटी बनाई है और अब मैं सारा सामान फ्रिज में रख देती हूँ वापस, क्या शाम को बनेगी कचौड़ी। और गाइज आपको पता है हमारे घर में कचौड़ी क्यों बनेगी, क्योंकि हम लोग आज गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पापा कह रहे हैं कि आज 3 बजे के बाद, पता नहीं 2:30 बजे के बाद गोवर्धन का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो पापा कह रहे हैं आज ही कर लो, कल मेरी छुट्टी नहीं है तो हम आज करेंगे इसीलिए। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ छत पे, गोवर्धन पूजा हम लोग आज करेंगे, तो उसके लिए जो मतलब बनाते हैं ना गोबर से, मैं 3 बजे के बाद गोवर्धन पूजा चालू होगी। हाँ मैंने गाइस को बता दिया था, तो मैं वो बनाने के लिए जा रही हूँ ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, वैसे भी हर साल मैं ही बनाती हूँ क्योंकि। सो गाइस मैं छत पे आ चुकी हूँ और ये देखो मैं ज़मीन में बैठी हूँ, पहले मैं कुर्सी पर बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं ज़मीन में बैठ जाती हूँ क्योंकि ऊपर से बनाया नहीं जा रहा था ढंग से, इसलिए मैं ज़मीन में बैठ गई। पर मैं ये देखो यहाँ पे झाड़ू मार के बैठी हूँ, गंदे में नहीं बैठी, गंदा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर मैं यहाँ पे झाड़ू मार के बैठी हूँ। मैं अभी आपको दिखा दूँगी मैं कैसे बना रही हूँ। सो ये देखो गाइस अभी मैंने थोड़ा सा बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे फेस बनेगा, ये इनकी बॉडी बनेगी, इसके बाद इनके नीचे पैर बनेंगे और साइड साइड में हाथ बनेंगे, फिर मैं कंप्लीट करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी। गाइस तो मैं बनाते बनाते ना आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं एक बात बताती हूँ कि ना अपनी तारीफ़ वैसे करनी ही चाहिए, पर मैं अपनी तारीफ़ कर देती हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसे लगता है कि आज की जनरेशन के हिसाब से मैं बहुत अच्छी हूँ, पूछो क्यों। आज की जनरेशन में पहली बात कोई मतलब आजकल के बच्चे जो हैं वो कोई भी ऐसे धार्मिक काम नहीं करते, पूजा पाठों में इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हुआ, इसमें अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करती हूँ। देखो कोई ही बच्चा होता होगा जो ऐसे गोवर्धन पूजा के टाइम गोबर से मतलब इसे खुद बनाता होगा ना, आजकल के बच्चों को घिन आती है, इसमें घिन नहीं आती। मैं देखो बना रही हूँ, अच्छी हूँ ना मैं, अच्छी हूँ ना मैं, अगर नहीं भी लगता तो भी मैं बता रही हूँ मैं हूँ अच्छी, ठीक है, मेरी तारीफ किया करो, ठीक है, नहीं करते तो भी क्या करो, ठीक है, समझ गया। और गाइस ये सच है, मैं सच्ची में अच्छे अच्छे काम करती हूँ, और नहीं करूँगी तो मेरे को पता है अगर मैं बुरे काम करूँगी तो मेरे साथ बुरा होगा, तो अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, अगर हम बुरा कर रहे हैं वो भी हम खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा और अगर हम बुरा करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो भगवान जी हमारे साथ भी अच्छा अच्छा करेंगे, और यदि हम कुछ बुरा करते हैं तो उसका पश्चाताप भी हमें करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। तो देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना, आप भी अच्छे बनकर रखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे फिर बात करूँगी, बाय। सो ये देखो गाइस ये मैंने कंप्लीट कर दी है, बस अभी इनको डेकोरेट करती हूँ थोड़ा सा, फिर दिखाऊंगी आपको, ओके। सो गाइस ये देखो ये मैंने पूरे बना के कंप्लीट कर दिए हैं और मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह, आप बताना कमेंट्स में कैसे लग रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बड़ों की तरह नहीं बनाई, जैसे बड़े बहुत प्रोफेशनली बनाते हैं, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश की बनाने की, और आप कमेंट्स में बताना कैसे लग रहे हैं, ओके गाइस। अब मैं जा रही हूँ नीचे की, मेरी हालत हो चुकी है ख़राब बैठे बैठे, लेकिन यार गाइस मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी औसम हूँ, देखना यार ये कितनी औसम है यार। मुझे सारे काम आते हैं, लेकिन मैं आपके घरों का काम नहीं करूँगी, पहले बता रही हूँ, ओके। आप मेरे को अच्छे से ना तारीफ़ क्या करूँ मेरी, ठीक है, मेरे को मेरी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप मेरी तारीफ़ करना, मैं अपनी तारीफ़ें सुनूँगी, कमेंट्स में अच्छा 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 लिख देना, ओके। गाइस अब मैं नीचे जा रही हूँ अपना काम सारा ख़त्म करके, और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, वैसे खुशबू आ रही है, कचौड़ी बना रही है।
मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे को हाथ भी धोने में भी अपने हाथ दिखाऊंगी ना, हैरान हो जाओगे इतने गंदे हो रहे हैं। मोटा राम मैं कंप्लीट करके आ चुका हूँ। अभी पापा जी का फोन आया था कि बन गया, तो मैंने कहा अभी बन रहा है, वो सब कंप्लीट हो चुका है। ये देखो गाइस, मेरा मोटा राम यहाँ पे कचौड़ी बना रहा है। और गाइस पीयूष आज भी पापा के गोदाम पे गया, उसको ज्यादा ही मजा आ रहा है। मेरे को लग रहा है पता लगाना पड़ेगा रोज रोज क्यों जा रहा है, क्या गड़बड़ है, खेलने कूदने जा रहा है, खाना पीने जा रहा है, भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। गाइस कितनी बन गई देखो, गाइस इतनी बना दी मम्मी ने। मैंने आपको सब्जी तो दिखाई नहीं क्या बनी है, आलू की कचौड़ी बनी है, यहाँ पे अभी ना भुट्टे के दाने उबल रहे हैं और कचौड़ी अभी बन भी रही है, और यहाँ पे बनी है पनीर की सब्जी। आलू गोभी बन सकती थी पर आलू गोभी कल बनी थी, इसलिए हमने आलू गोभी नहीं बनाई, पनीर बनाया है, और यहाँ पे बना है हमारा रायता। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लग इतना टेस्टी टेस्टी खाना आजकल, तो गाइस हमारे घर में रोज टेस्टी टेस्टी खाना बन रहा है ना। पेट भर के खाएंगे कि नियत भर के? नहीं भाई पेट भर के खाएंगे, नियत तो कभी भरती ही नहीं, क्या करेगा इस। ये देखो ना धुआं देखो इसमें से कैसे निकल रहा है, धुआं देखो, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा शायद, कोशिश करो देखने की। ठीक है ये जो धुआं हो रहा है ना, ये कचौड़ियों की वजह से हो रहा है यार। फोन में ढंग से दिख नहीं रहा, देखो रसोई का दिख रहा होगा, ब्लर ब्लर हो रहा है थोड़ा, ये ना कचौड़ी की वजह से हो रहा है। गाइस पीयूष भी अभी थोड़ी देर में आने वाला है, और पापा जी भी आने वाले हैं, फिर पूजा करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, टीवी देखेंगे, पूछा करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है गाइस बता रही हूँ क्या बोलना है, बोलना। मानसी गंगा से हर दे, गिरवर की पर कम्मा दे, अपनो काम सफल कर दे। ठीक है पापा जी पूजा करने आए हैं। जय हो गोवर्धन महाराज, कृपा करो दिन तरक्की दो बरकत दो। पीयूष आ चुका है गोदाम पे से, क्या घी लाया गाइस, वहाँ पे घी उग रही है, रोज रोज घी लेके लेके आते हैं। और पापा अब बैठ जा, अब तेरे को एक काम करना पड़ेगा। मैं नहीं क्यों उठती, ऊपर देख क्या मैंने कितने अच्छे बनाए हैं, देख के एक बार, और कपड़े भी लिए ही हो। पापा जी जा तो सही देख के, देखो 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 देखो, पहले अभी तो वॉशरूम गए, आते ही गाइस आते ही खाने पे बैठ चुके हैं, और मैंने नहीं खाया गाइस अभी तक, भूल गया था गाइस, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया पीयूष, मैंने नहीं खाया अभी तक, मैं भी खा लूं नहीं, मैं इसी प्लेट में से खा लूं यार, मैं नहीं दूंगा। ओ गाइस देखो देखो गाइस देखो, इसकी असलियत दिख गई, खाना पैक हो रहा है। ये पता है क्यों पैक हो रहा है? क्योंकि हमारे पिताश्री रोज खाना लेके जाते हैं, जब भी अच्छा बनता है रोज पैक करवा के लेके जाते हैं, और जिस पापा को अच्छा लगता है, सही में पापा को ना दूसरों को खाना खवाने की बहुत आदत है, चाहे खुद खाए ना खाए, स्टार्टिंग से पापा क्या देते, पापा दूसरों के लिए हमेशा खाना लेके जाते हैं, और आज भी लेके जा रहे हैं, गोदाम पे कोई होगा उनके लिए। गाइस देखो उबाले पापा जी के लिए तो, लेकिन खा मैं रही हूँ, और अभी मैं ये सारे खा जाऊंगी ऐसे ही। देखो ना प्याज वगैरह डालने से ज़्यादा ऐसे अच्छे लगते, इसलिए मैं उसको ऐसे ही खा लूँ। चलो पीयूष से पंगे लेके आते हैं, मैं इसको कुछ कहती हूँ ना, इसको यहाँ पे खा रहा है नकली खाना, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ हेल्दी खाना। देखो वो छोड़ प्लेट छोड़ दो, चलो रख दो प्लेट को, लो लाओ प्लेट लाओ। देखो गाइस हेल्दी भी खाएगा ना, हेल्दी भी खाएगा, बस खा ले करे, इतना ले सकता हूँ, कैमरा बंद होते मेरा भूत उतार दे देगी। नहीं आप कचौड़ी क्यों खा रहे हो, प्लेट गिरेगी कुत्ते, प्लेट गिर जाएगी, पनीर बन गई, पनीर जंक फूड नहीं। अरे हर कभी देखा है आपने पनीर? हाँ देखा है ना, फोम वाला। गाइस क्या करूँ मैं गरीब हूँ, मैंने पनीर खाया ही नहीं, मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, बहुत ग्राउंडेड इंसान हूँ, मैं फोम का पनीर खाती हूँ, मैं पनीर खाती ही नहीं, देख लो। और यहाँ पे तली हुई चीज़ें खा रहे हैं और शाही खाना खा रहे हैं, मेरे को देखो कितनी गरीब हूँ गाइस, मैं देखना क्या खा रही हूँ, पनीर थोड़ी है तो, ये पनीर थोड़ी ना, ये तो आलू है। सही बात है, ये पनीर थोड़ी ना, ये तो फोम का गत्ता है। हाँ फिर क्यों खा रहे हो आप, और फोम खाते हो उसका मतलब, फोम खाते हो आप? फोम तो मैं खाती थी, मैं गरीब थी गाइस, देखो फुटेज पा रहा गरीब बोल के।
खत्म इसके बाद। यहाँ पे मेरी मम्मा बर्तन मांज रही हैं और अभी दूध आया तो मैं दूध उबाल रही हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं ना, कुछ ना कुछ बन रहा है इसलिए। और देखो गाइस सबकी लाइटें जल चुकी हैं, बाहर हमारी भी जल चुकी है। और पीयूष अभी गया ऊपर कपड़े लेने के लिए, है ना, बहुत मुश्किल से हो गया। पीयूष तो गंदगी मचाता मचाता है, आज उसकी माताश्री ने भी गंदगी मचा रखी है। माताश्री पीयूष की, आपने आज यहाँ पे गंदगी मचा रखी है। आपका बेटा भी मचाता है, आज आपने भी मचा दी। मेरे को बोल देते मैं फेंक देती। ओ गाइज देखो ना दूध उबल रहा है, तो मैं यहीं पे स्लिप पे बैठ गई। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।